हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जॉब अपडेट के बारे में एक बड़ा अपडेट है। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने मल्टी लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की 671 वैकेंसी निकाली है और उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। इसमें जो कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग या बीएएमएस किए हुए हैं, इसके अलावा जो डिटेल्ड क्वालिफिकेशन है सब चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारा चैनल कंपटीशन तक पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि कंपटीशन एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी वीडियोज और क्लासेज हम अपलोड करें आप लोगों तक इमीडिएटली पहुँच सके। तो भी आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की, इस पर जो एडवर्टीजमेंट है आप लोगों को मैं आपके सामने डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो कंप्लीट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जो एग्जैक्ट डिटेल्स आप तक मैं बताऊंगा। लास्ट डेट इसके लिए 31 जनवरी 2021 है अप्लाई करने की। तो अभी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो चुका है और ये आपको मैं अभी कंप्लीट जो इसको दिखा देता हूँ। 28 दिसंबर को ये जारी किया गया था। जो कंप्लीट वैकेंसी है 671 है। पोस्ट है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स MLHPS कम CHOs। तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिखा है, लेकिन इसमें 5 साल तक के लिए फिक्स सैलरी है, उसके बाद आपको 9300 से 34800 का जो पे ग्रेड है उसमें परमानेंट कर दिया जाता है। तो उसी की मैं डिटेल्स आपको दिखाऊंगा अभी सभी। तो वैकेंसीज आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं। इसके अलावा ओपनिंग डेट है 31 दिसंबर से, ये सुबह 11 बजे से फिलअप करना स्टार्ट हुआ है। फॉर्म 31 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक ही फिलअप किया जाएगा। एग्जाम डेट 15 से 17 फरवरी 2021 है। इसके अलावा कैंडिडेट वाइज फाइनल डेट एंड जो एग्जामिनेशन प्लेस है वो अपलोड कर दिया जाएगा NHM की वेबसाइट पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 से 26 फरवरी 2021 को होगा। एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। BAMS या फिर BSc या पोस्ट BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 मंथ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज BPCCHN कंप्लीट किया हो इग्नू से या फिर किसी अन्य स्टेट यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा BSc पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने डिग्री विद मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर सर्टिफिकेट कोर्स BPCCHN उसमें हो इंटीग्रेटेड इन द करिकुलम ऑफ BSc पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स, उसके साथ ही मतलब BPCCHN का जो कोर्स है प्रोग्राम इंटीग्रेट हो। इसके अलावा BSc पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स who appeared in their final year exam with integrated mid-level health providers BPCCHN course in their curriculum, subject to the condition that they have to submit their final year detailed marks certificate DMC along with copies of all previous year DMCs at the time of document verification, यानी कि 23 से 26 फरवरी तक वो अपीयरिंग हो तो वहाँ तक वो अपनी सभी जो DMCs हैं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनल सिलेक्शन यानी कि 23 से 26 फरवरी तक प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से, उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ये भी लिखा है, और कोई भी फाइनल सिलेक्शन के लिए वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 42 साल है। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स और रिजर्व कैटेगरीज ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। इसके अलावा 10वीं तक आपने हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट्स जो भी हैं उनको अपने रजिस्टर्ड होनी चाहिए रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हरियाणा या फिर हरियाणा स्टाफ नर्सेज एंड नर्स मिडवाइव्स काउंसिल पंचकुला और फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप लोगों को इनमें से किसी भी संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है उससे पहले पहले। जो सैलरी है आप देख सकते हैं, ये पोस्ट आती है पे बैंड 2 में 9300 से 34800 और 4800 से 18750, ये पे बैंड है 4800, ये सब इसमें ग्रेड पे हैं एज पर सर्विस बायलॉज। और इनिशियल 5 साल के लिए आपको 25,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे, उसमें से आपका 18,750 पेमेंट रहेगा प्लस 6,250 एडिशनल आपकी अमाउंट रहेगी, तो ये मिला करके 25,000 बनेगा। और उसके बाद 5 साल कंप्लीट करेंगे सेटिस्फैक्ट्री सर्विस तब आपको सैलरी इंक्रीमेंट अलाउंस सब दिए जाएंगे पेमेंट 2 के 9300 से 34800 के 4800 पे ग्रेड के ग्रेड पे के। इसके अलावा बेनिफिट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट भी आपको बाद में, आप जब 6 महीने सेटिस्फैक्ट्री सर्विस कंप्लीट कर लेंगे 5% इंक्रीमेंट और इनिशियल सैलरी आपको मिलेगा। DA आपका 5 साल कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। HRA आपको 10 साल कंप्लीट करने के बाद मिलेगा सेटिस्फैक्ट्री सर्विस।
ये डिटेल्स थी, बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके कवर कर दी है। इसके अलावा जो है डिटेल्स आप लोगों को जब फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ इंस्ट्रक्शंस जो लिखी आपको फॉलो करना है। तो अभी यही डिटेल थी। फर्दर कंपटीशन एग्जामिनेशंस और गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल कंपटीशन तक को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक मैं दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग इसे वहाँ से प्राप्त करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं।